एक दिन की बात है जब भगवान श्री हरि वैकुंठ में विश्राम कर रहे थे तभी माता लक्ष्मी चिंतित होकर भगवान श्री हरि के पास आकर कहती है हे प्रभु अभी मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण करके आई हूँ वहाँ पर मैंने कुछ ऐसे दृश्य देखे हैं, जिससे मेरे मन को काफी पीड़ा हो रही है इसलिए मैं जननी आज इस सृष्टि के पालनहार से कुछ प्रश्न करना चाहती हूँ मेरे मन में पुरुषों के प्रति क्रोध की ज्वाला जल रही है आज मैं इनके द्वारा स्त्रियों को दिए जाने वाले यातना को देखकर ऐसे नराधमी कलंकी नीच कुकर्मी पुरुषों को ये श्राप देती हूं कि जो भी पुरुष अपनी माता बहन बेटी या फिर अपनी पत्नी इनमें से किसी को भी मार पीट कर यातनाए दर्द और पीड़ा देगा ऐसा पुरुष अगले जन्म में सुअर की योनि में जन्म लेगा और उसके किए गए अपराध की कड़ी से कड़ी सजा पाएगा माता लक्ष्मी का क्रोध देखकर भगवान विष्णु कहते हैं हे देवी कृपा करके आपका क्रोध शांत करें तब माता लक्ष्मी कहती है हे hey प्रभु सांसारिक मोह माया भरी इस दुनिया को देखकर मेरे मन में कुछ प्रश्न उत्पन्न हुए हैं मेरा पहला प्रश्न है वह कौन सा घर है जहाँ एक पिता को अपनी कन्या का विवाह कभी नहीं करना चाहिए मेरा दूसरा प्रश्न है एक बेटी के लिए अपना घर कौन सा होता है पिता का या पति का और मेरा तीसरा प्रश्न है कौन से घर में बेटी का विवाह कर देने से उसका जीवन हमेशा के लिए यातनाओं से भरा रहता है और पुत्री सहित पिता को भी कष्ट भोगने पड़ते हैं मित्रों भगवान श्री हरि मुस्कुराते हुए बोले हे देवी आपने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं क्योंकि एक पुत्री ही पिता के लिए संसार का सबसे मौल्यवान गहना होता है जो अपने हृदय पर पहाड़ जैसा पत्थर रखकर पराय पुरुष को कन्यादान करता है इस संसार में सबसे भाग्यशाली पुरुष के घर में देवी आदिशक्ति कन्या के रूप में जन्म लेती है आपके साथ जन्मों के पुण्य के कारण आपके घर पुत्री का जन्म होता है बेटी होना बहुत सौभाग्यशाली होता है और बेटी का कन्यादान सर्वश्रेष्ठ दान है हे लक्ष्मी आपके मन में जो तीन प्रश्न आए हैं उसके उत्तर इस एक पवित्र कथा के माध्यम से देना चाहता हूँ आप इस कथा को पूरा ध्यान से सुने जो भी मनुष्य इस कथा का श्रवण तथा प्रसार करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं वह उस मनुष्य को मृत्यु के बाद अक्षय लोक की प्राप्ति हो जाती है प्रिय दर्शकों माता लक्ष्मी कहती है हे hey प्रभु मैं इस पवित्र कथा को पूरा ध्यान से सुनूंगी और प्रसार भी करूंगी। मित्रों भगवान श्री हरि कहते हैं हे hey लक्ष्मी एक समय की बात है पूर्व देश में एक गरीब किसान अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था उसके घर में जब बेटी का जन्म हुआ था तो वह बहुत आनंदित था क्योंकि उन्हें बहुत दिनों तक कोई संतान नहीं थी तो वे बहुत खुश थे वह किसान अपनी पत्नी से और बेटी से बहुत ज्यादा प्रेम करता था वे तीनों भगवान श्री नारायण के बड़े भक्त थे रोज़ाना तुलसी को जल देना पूजा पाठ करना ये उनका नित्य काम था साथ ही किसान दान धर्म भी करता था रोज़ाना वह गाय को रोटी खिलाता था किसान की बेटी अपने माँ बाप के साथ साथ वह भी नारायण भक्ति में लगी रहती थी किसान की पत्नी और बेटी बहुत ही गुणवान रूपवान और संस्कारी थीं मित्रों किसान के पास थोड़ी सी जमीन होने के कारण वह अपने परिवार का ख्याल नहीं रख पाता था इसलिए वह नगर के एक व्यापारी सेठ के खेत में भी काम के लिए जाता रहता था उस सेठ का भी स्वभाव बहुत अच्छा था वह किसान कई सालों से उनके यहाँ पर काम करता था उस किसान की बेटी हर दिन अपने पिता के लिए घर से दोपहर का भोजन लेकर उस सेठ के खेत में जाती थी यह सिलसिला कई सालों तक चलता रहा वह हर दिन अपने पिता का भोजन बनाकर खेत में ले जाती थी वह सेठ हर दिन उसकी बेटी को देखता था और उस पर नज़र रखता था इस तरह कई और साल बीत गए फिर किसान की बेटी जवान हो गई मित्रों हर दिन की तरह किसान की बेटी खाना लेकर खेत में आई थी उस दिन किसान और सेठ साथ में खेती के कामों के बारे में चर्चा कर रहे थे जब सेठ की नज़र उस लड़की पर पड़ी तो उसकी सुंदरता और संस्कारों को देखवा मोहजाल में पड़ गया उसके मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं इस लड़की को अपनी बहू बना लूं। मित्रों थोड़ी देर के बाद किसान की बेटी वहाँ से चली गई तब सेठ ने अपने मन की गुप्त बात किसान से कह डाली और बोला हे hey भाई तुम बहुत दिनों से मेरे यहाँ काम करते हो लेकिन मैंने तुमसे आज तक कुछ भी नहीं मांगा किंतु अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक चीज मांग सकता हूँ यह बात सुनकर किस सोच में पड़ा और कहने लगा हे hey मेरे मालिक ऐसी कौन सी चीज इस गरीब के पास है जो मैं आपको दे सकता हूँ तो सेठ बोला मैं मेरे बेटे के विवाह के लिए एक संस्कारी और सुशील लड़की ढूंढ रहा था क्या तुम तुम्हारी बेटी को मेरे घर की बहू बनने का अवसर दोगे सेठ के मुंह से ऐसी बात सुनकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा किंतु किसान ने हिचकिचाते हुए कहा सेठ जी मैं आपकी बातों से सहमत हूँ किंतु इस विवाह के बारे में मुझे अपनी पत्नी और बेटी की राय लेनी चाहिए तब सेठ ने बोला हे मित्र क्यों नहीं तुम जरूर उनकी राय लेकर मुझे बताओ मित्रों भगवान श्री हरि कहते हैं हे लक्ष्मी जब भी किसी स्त्री या पुरुष का विवाह होना हो तो उनके मन की बात जानकर ही माता पिता को उनके भविष्य के निर्णय लेने चाहिए विवाह के बाद उन दोनों को ही जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाना होता है प्रिय मित्रों किसान ने अपनी पत्नी और बेटी से इस विवाह के बारे में पूछा उन दोनों ने इस विवाह के लिए सहमति दे दी वैसे ही किसान की पत्नी हमेशा से चाहती थी कि उसकी बेटी किसी राजघराने में राज करें क्योंकि गरीबी के दिन उन्होंने देखे है वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी उनके जैसे ही गरीबी के दिन देखे दूसरी ओर जब सेठ ने विवाह की बात अपनी पत्नी और बेटे से कही तो उन दोनों ने इस रिश्ते को नापसंद किया क्योंकि सेठ की पत्नी बहुत लालची और दुष्ट स्वभाव की थी तथा उसका बेटा भी निकम्मा और लालची स्वभाव का था तभी सेठ की पत्नी बोली आपकी क्या मति भ्रष्ट हो गई है जो एक भिकारीन को बहु बनाना चाहते हो उसके बाप के पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं होगी हमें दहेज में देने के लिए मैं तो क्या मेरी जूती भी ऐसे घर के साथ रिश्ते नहीं जोड़ेगी और सेठ का बेटा भी अपनी ही माँ के जैसे तेवर दिखाते हुए बोला पिताजी क्यों आप मेरी जिंदगी खराब करना चाहते हैं मेरे दोस्त और हमारे रिश्तेदार हम पर थू थू थूकेंगे मित्रों सेठ को लगता था कि अगर ऐसी अच्छी बहू उसे मिल जाए तो उनके घर की तरक्की होगी घर में शांति बनी रहेगी और उनका बेटा भी उनके काम में हाथ बढ़ाएगा लेकिन घर वालों की ऐसी बातें सुनकर सेठ को बहुत गुस्सा आया और सेठ ने कहा अब इस घर की बहू तो केवल उसी किसान की बेटी ही बनेगी उस घर में सेठ का ही राज चलता था क्योंकि उस सेठ की जितनी भी संपत्ति थी उसने खुद ही कमाई थी सेठ ही घर को चलाता था इसलिए उसने जबरदस्ती अपनी पत्नी और बेटे को मना लिया फिर अगले दिन जब खेत में किसान और सेठ की मुलाक़ात हो गई तो किसान ने बोला सेठ जी मुझे माफ कीजिए हमें ये रिश्ता तो बहुत पसंद है किंतु मेरी आपके बेटे के साथ विवाह करने की हैसियत नहीं है और न ही मैं आपको दहेज में कुछ दे सकता हूँ तब सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा बस इतनी सी बात है तुम जितना चाहे खर्च करो तुम्हें जितने भी धन की आवश्यकता हो तुम्हें हमारे मुंशी जी देंगे और रही बात दहेज की तो वह तुम तुम्हारी लड़की के रूप में हमारे घर में दे ही रहे हो ऐसी सुशील और संस्कारी लड़की हमारे घर की बहू बनेगी इससे बड़ा दहेज हमारे लिए क्या ही हो सकता है मित्रों उस किसान ने भी बड़ी धूमधाम से अपनी बेटी की शादी उस सेठ के बेटे के साथ करा दी किसान की बेटी ने भी ईश्वर का नाम लेकर उसके साथ साथ फेरे लिए और वह अपने ससुराल में चली गई फिर क्या था सेठ का बेटा पत्नी को छोड़ अपनी एक प्रेमिका के साथ रहने लगा और आए हर दिन सास बहू के बीच झगड़े होने लगे हर दिन सेठ जी अपनी बहू और पत्नी को समझाते हुए सुलह कर देते थे फिर एक दिन सेठ को अचानक दिल का दौरा पड़ा और उसी कारण से उसकी मृत्यु हो गई तब सबसे ज्यादा दुख किसान की बेटी को ही हुआ था क्योंकि घर में वही एक इंसान था जो उसके पक्ष में खड़ा था और उसके साथ था सेठ की पत्नी और बेटा बहुत खुश हुए क्योंकि अब उन्हें टोकने वाला कोई नहीं था मित्रों अब तो किसान की बेटी के बहुत बुरे दिन शुरू हो गए थे इस घर में उसकी कदर करने वाला कोई नहीं था जब भी झगड़े होते थे तो वह अपने मायके में जाती लेकिन किसान और उसकी पत्नी हमेशा उसको ही समझाकर वापस ससुराल भेजते रहे मित्रों यह सिलसिला कई महीनों तक चला फिर एक दिन सेठ के बेटे ने किसान को काम से निकाल दिया और उसे बहुत भला बुरा अपशब्द कहें मित्रों जब किसान की बहू उनसे डरने के वजह उनसे प्रेम पूर्वक रहने लगी तब सेठ की पत्नी के मन में एक बुरा ख्याल आया तो उसने चुपड़ी चुपड़ी बातों से किसान की बेटी के मन को जीत लिया था मानो जैसे कोई सांप ही चिड़िया के अंडों की रक्षा कर रहा है फिर एक दिन उस सेठ की पत्नी ने बहू के खाने में जहर मिलाकर उसे दे दिया किसान की बेटी भी अनजाने में उसे खाकर सो गई और इस रात्रि में ही उसकी मृत्यु हो गई मित्रों इधर सेठ की पत्नी ने अन्य नगरवासियों को कहा उनकी बहु ने जहर खाकर आत्महत्या की है साथ ही उसने किसान को भी यह संदेश भेज दिया कि तुम अपनी बेटी के शव को ले जावम जब ये बात किसान और उसकी पत्नी को पता चली तो उनके धीरज का बांध टूट गया और उन्होंने बेटी के मृत शव को घर लाकर उसका अंतिम संस्कार किया उसके बाद दूसरे दिन किसान न्याय मांगने के लिए राजा के दरबार में गया और उसने सारी हकीकत राजा को सुनाई जब राजा ने दरबार लगाया तो सेठ के बेटे ने धन के लालच में राजा के मंत्रियों को खरीद लिया था जिस कारण से किसान के पास कोई सबूत नहीं था कि उसकी बेटी निर्दोष है और उसने आत्महत्या ना की हो राजा ने भी सेठ की पत्नी और बेटे को निर्दोष करार देते हुए छोड़ दिया और दूसरी तरफ किसान और उसकी पत्नी हताश होकर उस नगर को छोड़कर एक मठ में चले गए और नारायण की पूजा में लीन हो गए हर रोज अपनी बेटी की याद में किसान और उसकी पत्नी रोते थे इधर किसान की बेटी पवित्र और सच्ची भक्त होने के कारण उसे स्वर्ग मिल गया और कुछ दिनों के बाद किसान और उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई और उन्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति हो गई मित्रों भगवान श्रीहरि कहते हैं हे लक्ष्मी तुम्हारा पहला प्रश्न था कि वह कौन सा घर है जहाँ एक पिता को अपनी कन्या का विवाह कभी नहीं करना चाहिए तो यह घर इसी सेठ का है जो अत्यधिक धनवान था पिता को सोचना चाहिए कि जिस घर का सबसे बड़ा सदस्य यानी कि उस घर का पालन करता जैसे कि सेठ अच्छा है इसका मतलब यह नहीं कि उसके पुत्र और पत्नी भी अच्छे स्वभाव की हों पिता को विवाह से पूर्व उस घर के सभी सदस्यों की संपूर्ण जानकारी लेनी चाहिए पिता को देखना चाहिए कि जिसके साथ कन्या का विवाह जिस पुरुष के साथ हो रहा है वह एक स्वयंपूर्ण इंसान है या नहीं जहां पर उसकी कन्या सुखपूर्वक जीवन भोगते रहे घर में ज्यादा पैसे हो या फिर परिवार श्रीमंत को इन चीजों से लड़की का जीवन सुखी नहीं होता बल्कि पारिवारिक सदस्य के अच्छे व्यवहार से उसका जीवन सुख और समृद्धि से भर जाता है इसलिए किसी भी पिता को अपनी कन्या का विवाह इसे घर में नहीं करना चाहिए जिस घर में पुत्र वधु को मान सम्मान न मिलता हो उसके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार न किया जाए उसके साथ केवल एक कसाई के दाव पर बंधी हुई गाय के जैसे व्यवहार किया जाए जिसके मन में हर क्षण तड़पाने वाली मृत्यु का भय हो दूसरी बात अगर स्त्री पुरुष एक दूसरे को पसंद न करते हो तो ऐसा विवाह दोनों के जीवन को बर्बाद कर देता है तीसरी बात जिस पुरुष के साथ कन्या का विवाह होने वाला है वह उसके योग्य हो उसे हर समय एक जिम्मेदारी से संभाल कर रखें उसके मन को जीतकर उससे ही प्रेम करें जब भी किसी के लिए रिश्ते देखें जाए तो वह बहुत दूर के ना हों ना ही अति नज़दीकी हों कभी मामा के यहाँ या बुआ के घर नाता नहीं जोड़ना चाहिए इससे वाद विवाद तो होते ही हैं लेकिन समान वंश होने के कारण संतान मंद या शारीरिक विकलांग भी हो सकती हैं साथ ही अपनी बेटी के लिए वर ढूंढते समय यह भी देखें कि ऐसे पुरुष किसी व्यसन के अधीन न हों अपनी कन्या का रिश्ता अन्य दूर प्रदेश में कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि उसके बुरे हालात में उसे पिता या भाई की ओर से मदद ही न पहुंचे। हमेशा नज़दीक का ही रिश्ता अच्छा होता है जब भी समय आने पर उसे मदद मिले हे लक्ष्मी किसी पिता को कन्या और बहन का रिश्ता कभी अति धनवान घर में या अति गरीब घर में नहीं करना चाहिए धनवान लोग उस स्त्री के साथ दासी के समान व्यवहार करते हैं और उसके माता पिता को भी सम्मान नहीं मिलता है तथा अति गरीब घर में विवाह करने से उसे हमेशा अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने पिता या भाई के सहारे की जरूरत पड़ती है जब भी रिश्ते की बात होती है तो हमेशा अपने सामान कुल में करें और वंश को देखना आवश्यक होता है अन्य कुल में विवाह होने से समाज में प्रतिष्ठा कम हो जाती है और लोग हिन भावना से देखते हैं साथ ही उस स्त्री को भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है मित्रों श्रीहरि कहते हैं हे hey, लक्ष्मी आपका दूसरा प्रश्न था कि एक बेटी के लिए उसका घर कौन सा होता है पिता का या पति का तो शास्त्रों के अनुसार स्त्री का घर उसके पति का ही होता है चाहे सुख हो या दुख पति पत्नी को हमेशा साथ रहना चाहिए और हर हालत में एक दूसरे का साथ देना चाहिए जैसे कि हमारी राम सीता की जोड़ी थी और आपका तीसरा प्रश्न था कि कौन से घर में बेटी की शादी कर देने से उसका जीवन हमेशा के लिए यातनाओं से भरा रहता है और कन्या सहित पिता को भी कष्ट भोगने पड़ते हैं हे hey लक्ष्मी अब मैंने आपके सारे प्रश्नों के उत्तर दिए हैं तब माता लक्ष्मी कहती हैं हे hey प्रभु जिस घर में स्त्री के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है उस घर से लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती है ऐसे घर में धन की हानि होती रहती है और घर गरीबी में चला जाता है साथ ही जो पुरुष स्त्री पर हाथ उठाता है उसे भी ब्रह्महत्या का पाप लगता है ऐसा पुरुष मेरे श्राप के कारण नीच योनी में जन्म लेता है तो मित्रों आशा करते हैं कि आपको यह कथा और जानकारी बहुत अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखें आप सभी का धन्यवाद